लोकसभा चुनाव की खुमारी देश भर में सर चढ़कर बोल रही है। हिमाचल में भी धीरे धीरे माहौल बनने लगा है। बीजेपी ने अपने चारों कैंडिडेट घोषित कर रखे हैं, तो कांग्रेस ने अभी दो ही सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की। बीजेपी ने इस मर्तबा भी यहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को ही अपना कैंडिडेट बनाया है। अनुराग इस सीट से चार मर्तबा सांसद बन चुके हैं। उनका ताल्लुक मूल रूप से हमीरपुर जिला से ही है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हमीरपुर के समीरपुर के रहने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस में पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का नाम चर्चाओं में है। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला हमीरपुर बनाम ऊना का होगा। हमीरपुर संसदीय सीट में बिलासपुर जिला के साथ साथ कांगड़ा जिला का देहरा विधानसभा क्षेत्र भी आता है। हमें ये बताना जरूरी है कि हमीरपुर संसदीय सीट से ऊना जिला से अब तक दो ही नेता लोकसभा चुनाव जीतकर संसद की दहलीज पार करने में कायम रहे हैं। ऊना जिला से पहली बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी रणजीत सिंह ने 1977 में जीत दर्ज की थी। इसके बाद दिवंगत मेजर जनरल विक्रम सिंह जीत हासिल करने में सफल रहे थे। वर्ष 1996 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल का विजयी रथ रोका था। अब 16 साल बाद कांग्रेस फिर ऊना जिला से प्रत्याशी उतारने के मूड में है। बीजेपी ने पांचवी बार केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर से चुनाव मैदान में उतारा है। वे जीत का चौका लगा चुके हैं। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने 1989 से 1991 और 2007 में लोकसभा का चुनाव जीता था। ऊना जिला से हमीरपुर सीट के लिए कांग्रेस की जीत का खाता 1996 में मेजर जनरल विक्रम सिंह ने खोला था। उन्होंने प्रेम कुमार धूमल को जीत की हैट्रिक लगाने से रोका था। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी कैंडिडेट सुरेश चंदेल से 1998 में कांग्रेस के विक्रम सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। सुरेश चंदेल ने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई थी। कांग्रेस ने वर्ष 2008 में ऊना जिला से ताल्लुक रखने वाले ओपी रतन को भी इस संसदीय सीट से अपना कैंडिडेट बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद बीजेपी के अनुराग ठाकुर यहां से लगातार जीत रहे हैं। अब की मर्तबा देखना होगा कि कांग्रेस अनुराग को रोकने के लिए किस पर दांव लगाती है।